पता है कि हम यहाँ पे डायनेमिक किड्स कैंप कर रहे हैं इसी मंथ में 20 से 26, और सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, और न सिर्फ प्रार्थना करें बल्कि आप यदि प्रभु आपको प्रेरित करता है तो आप हमें फाइनेंशियली भी हेल्प करें। मैं आपको बता दूं कि एक विजन के साथ और एक पर्पस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये कैंप हम एक ट्रेडिशन के तौर पे नहीं कि हम हर साल करते हैं, लेकिन ये कैंप हम इसलिए कर रहे हैं कि रांची में जितने सारे स्कूल हैं हर जगह यीशु मसीह का नाम जाए, चाहे जितने भी स्कूल हैं, चाहे जितने भी कॉलेज हैं। हमारे कैंप में पिछले साल 1100 बच्चे आए थे और इस बार हम लोग 1500 बच्चों का टारगेट कर रहे हैं, और सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि 1500 बच्चे इस बार आएंगे। और इस कैंप के माध्यम से हर एक स्कूल में, रांची के हर एक जगह में यीशु मसीह का नाम जाए, यीशु मसीह की महिमा हो, और हम इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे कम साल के बच्चे, बहुत कम एज के बच्चे वो पवित्र आत्मा से भरे जाए। पिछले वर्ष सचमुच परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि हमारे बहुत ही छोटे छोटे 5 साल के बच्चे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, और सचमुच इस बार भी हम उसी टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि वे यीशु मसीह के लहू में धुले जाए, और इस 1500 बच्चों के माध्यम से 1500 परिवार हमारा आशीषित होने का रांची में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और सचमुच मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर प्रार्थना करें, यदि आप अपने घर में फैमिली प्रेयर करते हो उस फैमिली प्रेयर में भी रखें इस पॉइंट को। यदि आप हमें किसी भी रीज़न से फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, हमारे डोनेशन काउंटर में जाएं, दूसरों को भी बताएं ताकि ये कैंप के द्वारा हम एक रांची में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने पाए। आमेन। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य पिता, हम आपको महिमा देते हैं। पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता, उस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच पिता, गॉस्पल कितना सिंपल है और आज हम उसे कितना टफ कर दिया है पिता, हम कितना कठिन बना दिए हैं, हम उलझा कर रख दिए हैं पिता। प्रभु होने दे जब आज हम इस बात को सुने पिता कि किस रीति से पिता कितना आसान है, हम कितने आसान तरीके से पिता हम दूसरों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया था और क्या किया मेरे लिए, और उस पर विश्वास करके हम क्या कुछ हो सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे पिता। जब हम यहाँ से निकलेंगे पिता परमेश्वर, हम भूल ना जाएं, लेकिन वो हमारे जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। और ये वचन हमारे द्वारा हमारे परिवार में जाए, हमारे कलीसिया में जाए, हमारे मोहल्ला में जाए, हमारे चर्च में जाए, हमारे जिला में जाए, राज्य में जाए, देश में जाए यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच सुसमाचार प्रचार करने वालों की एक बड़ी भीड़ खड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता इस वचन से पिता सचमुच हम आशीषित हुए हैं प्रभु। पिता, हम आपको महिमा देते हैं पिता इस आज के वचन के लिए पिता। प्रभु के उस जल को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिसको आपने ठहराया था आज पिता, जिनके माध्यम से आज हम आशीषित हुए हैं, उन्हें हम ब्लेस करते हैं पिता, उनके मिनिस्ट्री को, उनके कार्य को पिता, उनके जीव को पिता परमेश्वर, जो जिस उद्देश्य से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, उन्हें हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। इसी रीति से जवानों के बीच में पिता उन्हें और अधिक यूज करते चले चाहिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद पिता, इस खड़ी हम सारे लोग मिल के पिता, हम सभी जवान मिल के पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा पर्पस है डीकेसी के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से 1500 बच्चे पिता इस कैंप में आने पाए और वे आशीषित होने पाए। पिता 1500 बच्चे आए पिता और यीशु के लहू में धुल के जाए, 1500 बच्चे आए और आपकी आत्मा से भर के जाए, और हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो और यीशु का नाम हर जगह जाए। प्रभु धन्यवाद, ऐसा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद पिता। सचमुच पिता, रांची एक स्पिरिचुअल हब होने पाए, हम ब्लेस करते हैं अपने राज्य को, अपने राज्य को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। पिता होने दे प्रभु, पिता हम आपसे मांगते हैं जो भी फंड की आवश्यकता है, यीशु के नाम से स्वर खोल दिया जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा की सहायता से ऐसा होने पाए, सचमुच ऐसा हो रहा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद लोगों को तैयार करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद हमारे वॉलंटियर के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर अपना अपना घंटों समय निकाल के पिता यहाँ पे आ रहे हैं प्रभु, और वे मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने 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 कॉलेज के बाद, अपने स्कूल के बाद पिता वो यहाँ पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पिता। हाँ प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर एक 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 बहुत बड़े पर्पस को हम पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, ईश्वर हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जिस रीति से हम सुरक्षित आए थे प्रभु, हम सुरक्षित जाने भी पाए पिता, हम आपसे मांगते, हो सकता है कोई पहली बार यहाँ पे आया है प्रभु, और सचमुच वो आज परमेश्वर के प्रेम से भीग के जा रहा है, परमेश्वर के प्रेम से भर के जा रहा है, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करके जा रहा है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर पिता। हो सकता है आने वाले समय बहुतों का एग्जाम्स होगा प्रभु, पिता जितनों का एग्जाम्स है हमारे को हम ब्लेस करते हैं, हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। हाँ प्रभु, जिससे तेरे नाम की महिमा होने पाए। हो सकता है पिता आने वाले समय में पिता परमेश्वर बहुतों का बर्थडे होगा, हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता, आज की वर्षिप टीम के लिए धन्यवाद, आज की वर्षिप लीडर के लिए धन्यवाद, आज के हमारे प्रचारक के लिए धन्यवाद पिता, आज इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु, सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम में, आमेन।